हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे वॉल और विंडो वगैरह डेवलप की, बट हाँ उसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम आया था कि उसमें हाइट में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हाइट के जो मेजर जो मेरे अजम्पशन थे वो थोड़े गलत हो गए। तो अभी इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले कि अभी उसे मैं कैसे रिजॉल्व करने वाला हूँ और प्लस आगे की मॉडलिंग हम लोग कैसे करने वाले डिटेल में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो, ये जो सीरीज़ है, ये मैं पार्ट वाइज कर रहा हूँ इसको डिवाइड, बट क्या है ना कि 20 या 30 मिनट के पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा सकता ना कि मॉडलिंग कैसे की जाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत चीटिंग करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहता था। इसके लिए मैं ये वीडियो एकदम डिटेल में 2-3 पार्ट में बना रहा हूँ, ताकि आपको पूरा जो मॉडलिंग प्रोसेस होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बता सकूँ। तो इसके लिए ये मैंने 2-3 पार्ट में वीडियो बनाई है, तो इसे कंप्लीट देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, हे फ्रेंड, मैं हूँ जयवंत और इस चैनल पे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। इसके लिए आप अगर नए हो इस चैनल पे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो करते वीडियो को स्टार्ट। हाइट में मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट थोड़ी मेरी गलत हो गई, तो मैं एक जल्दी से इसमें चेंजेस कर लेता हूँ हाइट में। ओके, अभी आप देखना यहाँ पे जो इंस्टेंस रखा था ना, उसका बेनिफिट अभी आपको मिलेगा। मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को करो तो वहाँ पे जो इंस्टेंस मैंने रखे थे तीनों ऑब्जेक्ट सब में हो गया। ओके, ये हमारी सीलिंग बन गई। अभी सीलिंग अंदर ही ले लेता हूँ। डन, ये हमारी सीलिंग बन गई। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये जो ग्रूव वाली वॉल है वो बनानी है। इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे ओके, इसे थिकनेस है, ठीक है। दोस्तों, इस संडे को यानी 25 दिसंबर को मैं सुबह 11 बजे एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। वेबिनार का मेन टॉपिक होने वाला है कि कोरोना रेंडरिंग, तो उसमें मैं आपको काफ़ी कुछ वैल्यू शेयर करने वाला हूँ। तो इस वेबिनार को आप ज़रूर अटेंड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, जाके आप अभी चेकआउट करो और अभी रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि यहाँ ना यहाँ पे लिमिटेड सीट है, तो आप इसे ज़रूर अटेंड करना। और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, जिससे कि आप अपने स्किल को और ज़्यादा शार्प कर सकते हो। तो वेबिनार को ज़रूर अटेंड करना। ये बैकग्राउंड के लिए ये और डाल लेता हूँ। ठीक है, इससे पाई कर देता हूँ। अभी हम लोग को इसके आगे ये ग्रू वाली वॉल बनानी ना, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। सेवन 10 mm आगे ले लेता हूँ।
तो अभी इस केस में मैं एकदम मैन्युअली बना रहा हूँ ये एक एक जो है बॉक्सेस, तो वो आपको दिखा देता हूँ कि ये एक तरीका, जैसे कि मैंने ये पहला एक बनाया, बाकी जो ग्रूव जो है ना वो सब मेरे एक जैसे होंगे गैप उनका, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा सॉलिड वो मेरा छोटा बड़ा होगा। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी मुझे ग्रूव क्रिएट करना है। तो ग्रूव ओके, अभी ग्रूव में कितना गैप रख दो, कितना वो एक बार देख लेते हैं वो, ठीक है 6 mm का गैप है। तो ये मिडल वाला जो है वो ग्रूव होगा, यानी उसमें गैप होगा, बाकी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ। अगेन मुझे ये गैप मेंटेन करना है, ये एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मुझे यहाँ पे गैप मेंटेन करना है। मैं आपको ऐसे पता नहीं चलेगा तो मैं एक काम करता हूँ तो एक इसमें दिखा देता हूँ ऐसे, ताकि आपको, हाँ ठीक है, ये टॉप एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये जो ग्रूव है वो मुझे मेंटेन करना है सेम गैप, तो मैं कैसे करूँगा, अभी इसके आगे भी मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो इस केस में देखो अभी मैंने क्या किया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना मैंने स्प्लाइन पकड़ के यहाँ से यहाँ किया, अभी ये एक्स एक्सिस में नहीं घूम रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा अभी F5 प्रेस करूँगा तो एक्स एक्सिस में ये जाएगा सीधा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, समझ गया। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये गैप मेंटेन करना है, सेम ऐसे ऑब्जेक्ट आगे चाहिए बट ये गैप मेंटेन होनी चाहिए, तो मैं ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट पे रख दूंगा। मैंने अभी स्नैपिंग ऑन किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे कर देता, मेरा एक्स एक्सिस लॉक था, मैंने F5 प्रेस किया था तो मेरा एक्स एक्सिस जो था वो लॉक हो गया था। अभी इसका थिकनेस बढ़ाऊंगा मैं, अगेन फिर से मुझे वैसे चाहिए, मैं यही टेक्निक यूज़ करूँगा, अगेन ये थोड़ा स्मॉल बनाऊँगा, और एक ऑप्शन ये कि आप सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्नैप करके रख दो यहाँ पे, फिर इसको इसमें कितना गैप चाहिए आपको कि इतना गैप चाहिए ना, तो ठीक है, सो इस वाले पॉइंट को यहाँ तक स्नैप करो, ऑब्जेक्ट इतना साइड में हो गया। इसे भी इस पे स्नैप करो और फिर ये यहाँ से स्नैप, ओके okay, ये हमारी ग्रूव वाली वॉल बन गई जैसे यहाँ पे थी। ओके okay, ये थोड़े ज्यादा ही स्मॉल हो गए, ओके okay. अभी इसे एक
कलर वॉल करके ही नाम देता हूँ, और इसे भी मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ अभी के लिए। मटेरियल हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये एक बेसिक पार्ट था, इसमें मैं आपको ऊपर सीलिंग के लिए भी आपको कुछ एक बेसिक तरीका ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया लाइन ओके, और इसे मैं बेवल दूंगा, सॉरी इसे बेवल नहीं दूंगा, मैं इसे बेवल प्रोफाइल दूंगा ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे हमें क्लासिक करके एक ऑप्शन मिलता है और एक इम्प्रूव करके, तो बेवल प्रोफाइल के बारे में मैं आपको सिंपल एक दिखाता हूँ कि आपने ये एक रेक्टेंगल डाल दिया यहाँ पे फ्रंट में आ जाओ। अभी रेक्टेंगल को मैंने एक्सट्रूड वगैरह कुछ भी नहीं किए, सिर्फ मैंने बेवल प्रोफाइल करके मॉडिफायर अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, अगर आपने कुछ मैनुअली शेप अगर बनाया है तो अगर आपको वो शेप चाहिए तो उसके लिए आपको क्लासिक यूज करना है, और जो इम्प्रूव करके है उसमें क्या है ना कि उन्होंने ऑलरेडी शेप बनाए हुए हैं। तो ये देखो एक ग्राफ था, ये कस्टम था उसमें। अभी यहाँ पे मैं एक्सट्रूड एक नॉर्मल 50 mm से कर देता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अब देख रहे हो मैंने फर्स्ट लिया तो कॉनकेव करके, तो ये वैल्यू चेंज करोगे तो ऐसे कुछ दिखता। मैं ये दो ऑब्जेक्ट अलग से ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये, इसकी वैल्यू मैं 20 कर दूंगा तो आपको ये वाला शेप मिलेगा। अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखना, इसको अगर मैं आउटलाइन दू अभी क्या होगा, एक मिनट, अभी ये जेड एक्सिस है ना, यहाँ पे कर लेता हूँ। ये देखो ये एक मोल्डिंग बन जाती है हमारी इसी, जो यहाँ पे इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे ये एक मोल्डिंग है, ये अलग टाइप की मोल्डिंग है, तो ऐसे भी मोल्डिंग आपको मिलती है। या आप ये शेप भी अगर क्रिएट करोगे ना तो जैसे मैंने ये एक ऑप्शन बताया था क्लासिक, तो उसमें आपको वैसे मिल जाएगा, बट ये रेडीमेड जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे ये कॉन्वेक्स करके इसके बाद एंगल, ये एक स्टेप अप जैसा है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे गैप है, इसके बाद हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल भी आपको मिलता है, तो ये आपको फ्रेमिंग वगैरह बनाने के लिए भी काम आ सकता है ये वाला ऑप्शन। इसके बाद लेज करके, तो ये ऐसे लेज बन जाते हैं। अगर मैं ये क्लाइन उड़ा दूं तो देखो ये ऐसे बनेगा, फिर अंडू कर देता हूँ। इसके बाद लीनियर करके ऑप्शन है, ओके बाद यहाँ पे थ्री स्टेप करके भी ऑप्शन है, बट हमें अभी जो शेप चाहिए
वो अलग है। तो ये 3 स्टेप हो गया। तो मैं आपको एक दूसरा फंडा दिखाता हूँ, इसमें ये क्लासिक सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। और मैं एक शेप क्रिएट करूँगा, ठीक है, ये राउंड स्ट्रेट थोड़े स्टेप अप और ये फिर से अंदर, ओके। इंटरपोलेशन में 12 रखता हूँ। बेजियर कॉर्नर करूँगा, यहाँ पे मुझे राउंड चाहिए ऊपर। ये राउंड किया मैंने, ये आर्क यहाँ पे भी एक अंदर मैं क्रिएट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ स्टेप क्रिएट करूंगा, ओके। सो ऐसे कुछ मैंने एक शेप क्रिएट किया और मैंने हमारा ये जो मैंने मैं क्या करूंगा, अंदर की लाइन निकाल देता हूं अभी के लिए। अभी बेवेल प्रोफाइल में मैं क्लासिक ले रहा हूं, इसमें पिक कर देता हूं मैं ये। आप देख रहे हो यहाँ पे एक शेप बन गया, ऐसे नीचे लेके आता हूं। देखो ये ऐसे शेप है बट ये उल्टा है, तो इसे हम लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को मैं रोटेट करूँगा। एक मिनट, रोटेट ऑन है, वन एटी डिग्री। और ये शेप मुझे ओके, मैंने एक्चुअली रोटेट किया, अभी मुझे फिर से इस एंगल में रोटेट करना है। मैं 180 डिग्री डन। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक सेम वैसा मोल्डिंग बन गया ना, ये देखो ये जैसा मोल्डिंग है वैसे यहाँ पे भी एक मोल्डिंग बन गया। तो ये ऐसे आप मोल्डिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी करते हो शेप पिक करके, ये आपको जैसे डायरेक्शन में चाहे वैसे नहीं होता ना, तो आपको यहाँ पे बेजियर प्रोफाइल में जाके यहाँ पे प्रोफाइल गिज़्मो में जाना है। यहाँ पे गिज़्मो में जाओगे तो इसे आप रोटेट वगैरह जैसे करोगे वैसे ये रोटेट हो जाएगा, ओके। तो वो आपको एक बार देखना है। अभी मुझे प्रॉपरली इसको अलाइन करना है, तो मैं इसे जल्दी से अलाइन कर लेता हूँ। ये शेप को आपको डिलीट नहीं करना है, अगर आप ये डिलीट करोगे तो ये आपका प्रोफाइल फिर से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोफाइल के लिए भी अलग कलर है, बट अभी के लिए मैं सबको एक ही कलर दे रहा हूँ। ये बन गया आपके प्रॉपर सही तरीके से एक ऊपर की मोल्डिंग। तो ठीक है, इस वाले पार्ट में मैंने आपको एक बेसिक जैसा एक फ्रेमवर्क कैसे आप क्रिएट करोगे वो मैंने दिखाया। अभी इसके अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे
कि इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करेंगे, तो वो कहाँ से निकालते हम लोग वो सब इसमें देख लेंगे, और मटेरियल फिनिशिंग वगैरह। ठीक है, आई होप गाइस आपको पिछले वाले पार्ट की तरह ये पार्ट भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर वीडियो के बारे में आपके कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, कुछ डाउट्स है आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा वो सॉल्व करने के लिए। ओके, और आपके भी कुछ रिकमेंडेशन होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ओके, अभी हम लोग इसका एक नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसमें फर्नीचर वगैरह वो सब कैसे प्लेसमेंट करना है, कहाँ से फर्नीचर ढूंढने, तो ये भी हम लोग जल्दी करेंगे। ओके, बाय।